हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलदीप सिंह मिजरा है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम भी दे रहे हो, आपको सभी विशेष है मेरी ओर से। यदि आप मेरे को जानते हो तो बहुत अच्छा। यदि आप पहली बार आए इस चैनल पर तो सबसे पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरे रिंग बिल को ओपन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम इस चैनल पर, कमलदीप सिंह मिजरा पर। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टडी नहीं करने वाले। आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस करेंगे। कैसे हम जब मैं एक प्रोफेशनल है टीचर, तो मैं जैसे भी स्टूडेंट से बात करते हैं तो क्या होता है, एट द टाइम जब वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे तो उनसे पूछा कि आपने 100% एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो उनका मेन क्वेश्चन होता है कि वो एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनको वो सिलेबस आ गया जिसको उसने छोड़ा था। उन्होंने क्या किया, अभी एग्जाम से पहले तो वो स्टडी करते, लेकिन एग्जाम के डेज में क्या हुआ, उन्होंने कुछ टॉपिक ऐसे उनके रह गए, मिस हो गए जो एग्जाम में आ गए, और जो उन्होंने पढ़ा था वो आया नहीं। ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे आस में। बच्चों में पढ़ने की स्ट्रेंथ होती है, पोटेंशियल होती है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है वो काम नहीं करती। तो आजकल मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को होता है कि उनको मोटिवेशन मिल जाए, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन मोटिवेशन के लिए काम नहीं करेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये डिस्कस करने वाला, आपको मोटिवेशन चाहिए, डेट इज वेरी गुड, लेकिन मोटिवेशन अकेले क्या करेगी, आपको थोड़ा सा पंप कर सकती है, बूस्टर कर सकती है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे तक पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो वो मैटर करता है। आपका जो रिजल्ट, आपकी जो आउटपुट है वो मैटर करती है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, कैसे अप्लाई करें, उसके अगेंस्ट आपका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपका रिजल्ट आने वाला। तो आज उन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा सबसे पहले, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप भी केयरफुल और सीरियस होना पड़ेगा। जहां पर हम लाइफ की यदि बात करते हैं, जो स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें सीरियस होना, सबसे पहले क्या होता है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब आप यदि मोटिवेशन सुन रहे हैं तो आप मोटिवेट हो चुके हैं, अब क्या होगा, अब आपके पास एक प्लानिंग करनी होगी। आपको प्लानिंग कैसे करी जाए, मान लो आपके पास आज कौन सा मार्च मंथ चल रहा है और मई में आपके एग्जाम है, आपके पास 1.5 या 2 मंथ आपके पास है। मान लो आपको, आपने अब तक कुछ नहीं किया, आप शून्य पर है, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे, एक कदम के साथ आज स्टार्ट करेंगे। तो जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटिवेशन के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। तो आज हम प्लानिंग करेंगे, कैसे हम स्टडी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हमारे चल रहे हैं, कौन से टॉपिक हमारे रह गए हैं, किन सब्जेक्ट को, किन टॉपिक को प्रायोरिटी देनी। तो उसके मैं हल्का सा आपके लिए लेकर चलता हूं। तो जहां पर हम टाइम टेबल की बात करेंगे, यदि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप में से मैथ पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कभी भी टाइम टेबल की बात नहीं करते। वो टाइम टेबल कॉलेज का तो फॉलो करते, लेकिन खुद का टाइम टेबल नहीं बनाते। ये बहुत ही हमारा बिग पॉइंट है, बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यदि आप कहीं भी जाते हो तो टाइम टेबल के साथ ही आपको मिलता। तो जहां पर भी मैं आपको टाइम टेबल की बात बताने वाला हूँ कि आप यदि टाइम टेबल एक सेट कर लें अपनी लाइफ में, एक डेली शेड्यूल, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कितना भी बड़ा टारगेट हो, क्यों ना हो, हम उसको अचीव कर सकते हैं, जस्ट फिर फ्यू जो हमारे जो राइट स्टेप होते हैं उनके साथ। तो आगे हम टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। मान लो आप किसी, हमें यहाँ पर एक आउटलाइन दिखाई हुई है कि जहां पर मैंने कुछ सिलेबस लिखा हुआ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक नोटबुक लो, आप एक ब्लैंक पेपर ले सकते हो, पेन ले सकते हो, आप कोई भी टॉपिक, आप सुबह उठो और फ्रेश हो, बैठ जाइए, एक ब्लैंक पेपर ऊपर आपने कोई भी बुक लिखी। जैसे मैंने यहाँ पर एमएससी मैथ के लिए स्टडी करता था, तो वहां पर मैंने क्या टोपोलॉजी का यूनिट लिया हुआ है, हमारे पास टोपोलॉजी की बुक आती है। आप जो भी आपकी बुक आप ऐसे ले, हमारे पास क्या होता है, आपके पास 5 यूनिट है। सबसे पहले आप ब्लैंक पेपर का क्या लिखे, ऐसे 5 यूनिट लिख दीजिए, जो भी आपको उनका सिलेबस है। यूनिट 1 उसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ फ्यू लाइन लिखी है, सिलेबस आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर यूनिट 1 में क्या आता है, यूनिट 2 में क्या आता है, यूनिट 3 में क्या आता है, यूनिट 4, यूनिट आपके 5 यूनिट होते हैं आपको मालूम है, तो आप उन सभी का जो भी सिलेबस है वो लिख दीजिए यहाँ पर साथ में। और यहाँ पर मैंने क्या किया, आपके पास तो कैलेंडर वगैरह पर मैंने यहाँ पर वैसे एक मार्च मंथ का एक कैलेंडर बनाया, जहाँ से वन से लेकर 31 तक आपके पास डेज हो गए, तो आप भी कोई भी कैलेंडर फॉलो कर सकते हो साथ में। अब मान लो आज 1 मार्च है और आपने यहाँ पर क्या किया, आपने सुबह उठकर सारा सिलेबस लिख दिया, और अब आपको मालूम होगा, यदि आप सिलेबस को देख रहे हैं, आपके पास आउटलाइन है, कैलेंडर आप किसी भी दीवार तक लगा दीजिए, अपने आप स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, लेकिन जहां वहां पर रखें जहां पर आप सुबह उठते वक्त और रात को सोने से पहले आपकी निगाह वहां पर जाए, तो ऐसी जगह पर इसको आप डिस्प्ले कर दीजिए। अब क्या होगा, अब मान लो आप आज आपने इसको बनाया, नेक्स्ट डे आप आने वाले हो, आप नेक्स्ट डे जब भी जैसे इस पर आपकी निगाह पड़ेगी तो आपको मालूम होगा कि जहां पर आपको कुछ नहीं आता, जैसे अभी सभी क्या है, ऐसी चीजें जिनको अभी तक अनटच है। मान लो आपका टारगेट एक है, आपका 1 मार्च चल रहा है, आज 1 मार्च है, तो मान लें 1 मार्च है,
तो आपने एक प्लानिंग करनी है कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता पिया और मेरी जो एग्जाम है 2 month के बाद 60 days के बाद है, तो आप सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और अब आप क्या थोड़ा थोड़ा सा आपको हल्का सा माइंड में इफेक्ट आने लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ना भी, आज जो 1 month है इसको यूटिलाइज करना, इस टॉपिक का कुछ ना कुछ पढ़ना है। मान लो आपने यहाँ पर हायर सेपरेशन एग्जाम का टॉपिक लिया, इसमें क्या आता है कंप्लीटेड रेगुलर स्पेस, तो आप इसको टारगेट कीजिए कि 1 month में मैंने क्या करना है, इस टॉपिक को स्टडी करना है। तो आज आपने क्या कीजिए, जब भी आपका टाइम लगे पूरे थ्रू आउट द डे आप इसको स्टडी कर लीजिए, और साथ में जैसे स्टडी होगा तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। और साथ में क्या होगा, आपका जैसे 1 month कंप्लीट हुआ तो आपने इसका टॉपिक कर दिया, जहां पर आपका एक डे कम हो गया। नेक्स्ट डे क्या होगा, सेकंड मार्च को भी आप सिर्फ फिर ऐसे ही करना। अब आप जब आएंगे 2 March को तो आपको थोड़ी सी खुशी होगी कि आपने यहाँ पर सब ब्लैंक नहीं है, जहां पर एक टॉपिक है जो आपको आता है इस टॉपिक का। तो अब आप सेकंड टारगेट देखिए, सेकंड आप यूनिट 1 पर फोकस कर सकते हैं, यूनिट 2 पर आप जब आएंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक टॉपिक होगा, आपको हल्की सी स्माइल होगी आपके फेस पर कि आपको कुछ तो आता है। तो सेकंड आपने इसको टारगेट करना है, सेकंड आपने कुछ भी नहीं करना। हमारे पास एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप सोचते हैं कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन भाई आपने स्टार्टिंग कभी किया था? यदि आज आप स्टार्ट करें, आपने एक हल्का सा टॉपिक कर लिया, और कई बच्चों की क्या प्रॉब्लम होते हैं ना, वो बुक को देखते हैं, वो बुक को उठाकर देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे ने एक बुक को उठा लिया और वो सोचेगा यार मैं इतनी बड़ी बुक है मैं कैसे करूंगा। अरे भाई तू इस बुक को हमने एक दिन में, एक सेकंड में, एक घंटे में बिल्कुल नहीं करना होता, हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड सेट है। यदि आप देखते हो यार मैंने ये बुक पढ़नी है, अरे ये तो बहुत ही मोटी है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी हिम्मत वहां पर नीचे गिर गई, आप कभी नहीं कर पाओगे उसको, और उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जहां पर थिंकिंग चेंज करनी होगी थोड़ा सा। आपके पास मान लीजिए बुक है, आपने इसको पूरा पढ़ना, लेकिन आप अपने माइंड को एक कमांड दे सकते हैं। जैसे मैंने ओपन किया, आपके पास पहला पेज आ गया, 2 पेज आ गए, तो आपने अपने माइंड को क्या कहना है, भाई मेरे को ये बुक खत्म नहीं करनी, मेरे को सिर्फ ये 2 पन्ने खत्म करने हैं। कितने टाइम में करता है ये तू सेट कर लो। अब माइंड को क्या लगे यार ये तो 2 करनी है तो कुछ नहीं है, तो वो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में आपको फिनिश कर देगा। तो क्या होगा, वो हैप्पीली करेगा उसको। यदि आप उसको कह रहे हैं यार सिर्फ पूरी करनी है, तो माइंड तो पहले थक जाएगा भाई, उसकी तो बैटरी पहले से डेड हो जाएगी, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो जहां पर हम उसको ट्रिक दे रहे हैं, उसको हम माइंड को यूज कर सकते हैं, उसको आपको कहना क्या है 2 पन्ने करने हैं, जितने मर्जी कर ला तेरा, जितना तुम्हें समय लगता है कर लो, वो इजी कर लेगा। तो जैसे खत्म हो गए, अब माइंड को जस्ट आप एक मिनट के लिए फोन पर ले जाइए, चाहे फेसबुक ओपन पेपर से कर ले, आप उस पर लेकर और साथ में आपने यहाँ पर ना उठा दिया, और आप वापस माइंड को लेकर आओ, अरे यार ये तो रह गया, ये तो 2 पन्ने रह गए, ये भी मुझे को करने हैं। तो माइंड गया 2 पन्ने है कोई बात नहीं करो, तो आप ऐसे 2 पन्ने करके उससे पूरी बुक कर सकते हो। आपको ये एक सीटिंग में नहीं करनी है, आपको एक सीटिंग में 10 पेज कर सकते हो, 5 पेज कर सकते, लेकिन आपको एक टाइम पर, एक सेकंड पर सिर्फ एक यही टारगेट रखना है कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये 2 पन्ने करने हैं, कुछ नहीं पढ़ना, इनको ही याद करना है। बहुत ईजी है, कर सकते हैं, मिल सकते कर सकते हैं। तो आप ऐसी कमांड देंगे तो आपका बिल्कुल होगा। तो ऐसे आप जो भी टारगेट मिलेगा उसको आप कर सकते हो। तो जहां पर मैंने जो आपको टाइम टेबल का कहा है, तो आप ऐसे रोज डेली डे बाय डे क्या होगा, आप अगर जैसे डे जाएगा, मान लो एक दिन आपके पास आ गया आपने कुछ नहीं किया, जहां से आपके डे बाय डे क्रॉस होते गए, ऐसा ही हमारे पास होता है। मान लो आपने पूरा वीक कर दिया, लेकिन इस टॉपिक के बाद अपने को अनटच रखा। अब नेक्स्ट डे कहीं आपकी निगाह पड़ गई, आपकी नजर जहां पर आ गई, और आप देखें अरे भाई मेरे पास तो टाइम बहुत कम बचा, अब सिलेबस काफी है और मैंने जहां पर क्या किया, कुछ नहीं किया, तो आपके माइंड में एक टेंशन फैक्टर आ गया। अब इसको कंपेयर करते, यदि आपके पास ये टेबल नहीं होता, ये चार्ट नहीं होता, तो तब आपके मन में वो डर नहीं आना था कि मेरा कितना रह गया। तो वो डर कब आता है, जब आप एग्जाम के डे में 2-4 दिन आपको मिलते तब आता, लेकिन ये मैं आपको 2 month पहले डर जो है वो क्रिएट करवाता, जहां पर इससे आपको वो उसके आइडिया होगा, तो ऐसा डर आपको आएगा, तो फिर आपको टेंशन होगी थोड़ी सी। जब टेंशन होगी तो आप पढ़ेंगे, तो आप क्या कर रहे थे, जहां पर 7 में आपने कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लेंगे, एक टॉपिक मान लो कर लिया, फिर आपने इसके ऐसे करते करते आपने कुछ ना कुछ टॉपिक करते करते एंड ऑफ द मार्च क्या होगा, आपका ये जो पूरी बुक है वो पूरी बुक खाली नहीं होगी, आपने इसमें से 20% कर लिया होगा, तो ऐसे बाकी बुक्स है जो आपकी, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप यदि टाइम टेबल को फॉलो करोगे और ऐसे करेंगे, तो लाइफ में जितना बड़ा टारगेट हो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव कर सकते हो। पूरे टारगेट को देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन उसको जैसे ही हमने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और देखा कि वो तो कुछ है ही नहीं दे, वो तो आपका लेफ्ट आर्म से आप कर सकते, लेफ्ट हैंड से आप कर सकते, तो ऐसा होता है, तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, जस्ट हम वो हवा होती है, तो उनको आप कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना डिस्कस करते हैं। यदि आपको कुछ और सजेशन चाहिए और या फिर सजेशन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, और एक लाइक एक थम्स अप तो हो जाना चाहिए इस वीडियो के लिए। आपका धन्यवाद, शुभ, गॉड ब्लेस यू, स्टडी करो, अच्छे अच्छे से करो, गुड मार्क्स लेकर आओ, बिकॉज आपकी लाइफ है,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। यदि आप आज बीएससी में हो जाए एमएससी में, तो आने वाले अभी तो एंजॉय करते हो ठीक हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होने वाला है। सो कीप हार्ड वर्किंग, सो मेहनत के साथ आप आगे बढ़ना होगा। तो इंटरेस्ट के साथ उनको छोटे छोटे स्टेप के साथ एंजॉय करो स्टडी को डे बाय डे, और ऐसे ही हमारे चैनल को भी देखते रहे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।